हेलो दोस्तों, दीपक किचन में आपका स्वागत है और आज बनाएंगे हम दाल पालक। तो चलिए शुरू करते हैं डिश बनाना। ये देखिए काफ़ी अच्छा टेस्टी और इजी स्टाइल में। तो सबसे फर्स्ट हमने दाल एक कटोरे में ले लिया था, उसे भिंगा के रख लिया था 2-3 घंटे के लिए। अब इसे अच्छे से धो के इसमें नॉर्मल पानी ऐड कर देंगे। तो कुकर में हमने ले लिया है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और नमक डाल देंगे, बस और कुछ नहीं डालेंगे। इतना ही डाल के इसे हम 3 सीटी लगा देंगे। तो ये हमारी कुकर में सीटी लगा के इसके साइड रख देंगे। अब इसके लिए तैयार करेंगे पालक ले लेंगे, एक टमाटर ले लेंगे, लहसुन ले लेंगे, हरी मिर्च और कुछ, इसे सबको बारीक कट कर लेंगे। ये लिए हैं हमने स्प्रिंग अनियन के हल्की सी भाजी थी उसको ले लिया है, तो सब बारीक कट कर लेंगे। ये मोटी वाली मिर्च है उसे भी हमने बारीक कट कर लिया है। तो सारी चीज़ को अच्छे से बारीक कट कर लेंगे और अदरक लहसुन को चॉप कर लेंगे, ये मिर्ची को भी चॉप कर लेंगे। ये तीखी मिर्ची है, वो मोटी मिर्ची थी, ये अदरक है, तो अदरक को हमने चॉप कर लेंगे। ये अदरक लहसुन को चॉप कर लिया है और टमाटर को भी ऐसे बारीक कट कर लेंगे। तो ये टमाटर, एक बड़ा टमाटर लिए थे उसे भी हमने बारीक कट कर लिया है। और ये साथ में हरे हरे पालक लिए हैं ताजे, तो हमने पालक, सारे पालक को धो के अच्छे से बड़े बड़े पीस में कट कर लेंगे। तो हमने ये सारी चीज़ कट करके रख लिया। अब चले बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे, और उसमें फ़ौरन डालेंगे लाल मिर्च और जीरा। तो अच्छे से उसको कड़कने देंगे, उसके बाद डाल देंगे इसमें लहसुन और ये अदरक जिसे चॉप किया है बारीक, साथ में डाल देंगे हरी मिर्च और ये अनियन की स्प्रिंग पत्ते वाली हल्की सी, वो सबको अच्छे से भून लेंगे। ये हमारा, साथ में डाल देंगे टमाटर, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्के कच्चे पन रहे इसमें तब टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसे भी टमाटर भी अच्छे से, हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्के से फ्राई कर लिया। और उसमें डाल देंगे मसाले, तो हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और हल्की सी लाल मिर्च, ये सबको अच्छे से भून लेंगे साथ में। ये हमने हल्के से भून लिया इसे। भुनने के बाद इसमें क्या करेंगे, पालक जो रखे हैं उसे ऐड कर देंगे। ये हमने ये पालक का जो कट करके रखा था उसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। पालक यह पकने के बाद थोड़ी सी हो जाती है, तो अभी ज़्यादा दिख रहा है ये, और ये पकेगा जैसे, तो ये थोड़ी सी हो जाएगी। तो ये देखिए हम पक के तैयार है, थोड़ी सी हो गई, और हल्के से इसे पकाएंगे। जैसे ये पानी छोड़ने लगेगा तब इसमें दाल जो हमारी पकी है उसे डाल देंगे हम। तो ये दाल को ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का पका रहता है, 3 सीटी में करेक्ट होता है ये। तो ये पक के तैयार है। अब क्या करेंगे, इसमें नमक तो डाल दिया था, तो ये 10 से 5 मिनट ही पकाए, इसे ज़्यादा ना पकाएं। और ये बन के तैयार है। अगर चाहिए तो अलग से तड़का और लगा सकते हैं, मैंने शुरू में ही तड़का लगा दिया है, ये बन के रेडी है। तो इसे गर्म गर्म चावल या रोटी में जिसमें भी खाना सकते हैं आप खा सकते हैं, और ये हमारी डिश तैयार है। तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।